Hello everyone, welcome to our channel EME Technologies. Do subscribe our channel and hit the bell icon button for latest updates. This is the best time to make yourselves productive, so feel free to contact us for industrial training and summer training for ultra productivity and peak performance. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, गैस्चर बेस्ड रोबोट। सो इस मॉड्यूल के थ्रू हम गैस्चर्स देंगे, एक मतलब गैस्चर कंट्रोल करेंगे और उससे हमारा ये रोबोट कंट्रोल होगा। तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले ये है हमारा MPU 6050 गायरो सेंसर। ये गायरो सेंसर है, इसकी जगह हम ADXL335 एक्सेलरोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट दिस वन इज़ मोर सेंसिटिव, तो हमने गायरो सेंसर यूज़ किया इसके लिए। ओके, तो ये है हमारा आरएफ मॉड्यूल ASK 433 MHz। उसके बाद हमारा आ जाता है डिकोडर सर्किट। एक हमें पैकेट बनाना होता है डाटा का, कि डाटा अटेन्यूएट ना हो सके हमारा, तो हम क्या करते हैं, एक 4-bit डिजिटल डाटा हम ट्रांसफ़र करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसीज पे एक पैकेट बना के, तो वो पैकेट यहाँ पे रिसीव होगा। तो उसके लिए हमें डिकोड भी करना पड़ेगा डाटा को और एनकोड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से एनकोड होके डाटा यहाँ पे जाएगा, रिसीव होगा, फिर ये HT12DIC है, ये इसे डिकोड करके हमारे सर्किट को देगा। ओके, ये हमारा ट्रांसमीटर सर्किट है सारा, और इसमें हमने आर्डुइनो भी लगा रखा है, यह आर्डुइनो यूनो है, ताकि जो हमारा I2C प्रोटोकॉल है वो यहाँ से डाटा रिसीव करे और इस आर्डुइनो को दे, और ये आर्डुइनो उसे डिकोड करके हमारे RF मॉड्यूल को दे, ताकि वो उसे डिकोड करके हमारे RF मॉड्यूल रिसीवर को ट्रांसमिट कर सके डाटा। 4-bit डिजिटल डाटा होगा तो वो हमारी मोटर्स को कंट्रोल करवा सकता है। तो ये रहा हमारा ट्रांसमीटर पार्ट। इसके बाद ये आता है हमारा रिसीवर पार्ट। इसमें जैसा देख पा रहे हैं, हमारी दो मोटर्स लगी हैं, नॉर्मल 2 DC गियर्ड मोटर्स। ये 500 RPM की मोटर्स हैं। कॉस्टर लगा, चैसी, और ये L293D सर्किट हमारा, डुअल एच ब्रिज मोटर ड्राइवर सर्किट भी बोलते हैं इसे। तो ये कंट्रोल करेगा हमारी मोटर्स को। ओके, तो इसको जो कमांड्स है वो 4-bit कमांड्स हमारा RF मॉड्यूल देगा। जैसे ही हम 4-bit डिजिटल आउटपुट देंगे यहाँ से, ये रिसीव करेगा और ये आउट जो अपनी आउटपुट है वो हमारी L293D सर्किट को देगा, तो उससे हमारा मोटर कंट्रोल होगा। तो इसका एक डेमो दिखाता हूँ मैं। तो ये हम बैटरी से पावर करेंगे, 9 वोल्ट नॉर्मल बैटरी। इसमें देख रहे हैं आप कि मैंने दो बैटरीज लगा रही है, 18650 बैटरीज, ये नॉर्मल बैटरीज हैं, मार्केट में आपको मिल जाएंगी, और इसका डिस्चार्ज रेट काफ़ी हाई होता है, तो मोटर्स की स्पीड जो है वो काफ़ी हाई मिलेगी आपको। ये देख रहे हैं आप, अभी मैंने इसे ऑन नहीं किया, बट ये नॉर्मल, इसे मैंने स्टेबल रखा है तो कोई आउटपुट नहीं आ रही है, LEDs हैं जो आउटपुट शो कर रही हैं। जैसे ही मैंने आगे किया, ये दो आउटपुट्स हाई होगी हमारी, तो इससे क्या होगा, मोटर हमारी आगे की तरफ चलने लग जाएगी। फिर से इसे सेंटर में किया, नो आउटपुट, इसे बैक किया, तो ये दो आउटपुट्स ऑन होगी, तो इससे क्या होगा, हमारी मोटर्स बैकवर्ड मूव करेंगी। इसे सेंटर में किया, ऑफ, राइट किया, तो ये सेंटर वाली दो ऑन होगी, तो इससे क्या होगा, राइट मूवमेंट होगी हमारी मोटर्स की। तो ऐसे ही हमने इस साइड किया, तो ये साइड वाली दो ऑन होगी, इससे हमारा लेफ्ट मूवमेंट होगा। तो ऐसे ही हमारी मोटर्स की मूवमेंट कंट्रोल होगी इसके थ्रू। देखते हैं हम इसे होता कि नहीं। काफ़ी सेंसिटिव है ये मोटर्स, क्योंकि हमने 18650 बैटरीज लगा रखी है। देख रहे हैं आप, अभी कोई मोशन नहीं है। जैसे ही हमने गेस्चर चेंज किया, फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड जा रही है, उसके बाद फिर से रोका, ये बैकवर्ड जा रही है, उसके बाद फिर से लेफ्ट। ये आउटपुट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी आउटपुट शो हो रही है, ये हमने लेफ्ट साइड मूवमेंट करवा दी, स्टॉप, लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड,
ये हमारा काफ़ी सेंसिटिव डिवाइस है, MQ6050 गायरो सेंसर, और ये I2C प्रोटोकॉल पे काम करता है। I2C मतलब सीरियल क्लॉक, सीरियल डाटा, ये सब कुछ इसमें हमें इंटरनली Arduino में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, क्योंकि Arduino ही हमारा एक डिवाइस है जिसमें I2C प्रोटोकॉल हमारा रिसीव कर सकता है, और बाकी माइक्रो कंट्रोलर्स में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 8051 में I2C प्रोटोकॉल हमारा है ही नहीं। इसमें इंटरनली Arduino Uno में 16 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक है, इंटरनली ADC वगैरह सब कुछ इनबिल्ट है इसमें, और नॉर्मली हम इसे यूज़ कर पाएंगे। इसकी प्रोग्रामिंग के लिए ये पोर्ट दे रखा है, इससे हम डायरेक्टली प्रोग्राम इस पर अपलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी ईजी प्रोजेक्ट है ये, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। RF मॉड्यूल की रेंज है जो वो अराउंड 10 मीटर्स तक होती है, बट इसका एंटीना जो है ये हम अच्छी क्वालिटी का यूज़ करके इसकी रेंज को और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल इस पर।